हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये दही मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ। आज संडे है तो मैं लगाती हूँ, हर 15 से 20 दिनों में अपने बालों में दही लगाती हूँ। मेरी स्किन बहुत ऑयली है और मेरे स्कैल्प में डेड स्किन और गंदगी बहुत इकट्ठी हो जाती है। और ज़्यादातर लोग लंबे बालों को डेली हेयर वॉश तो नहीं कर पाते, तो मैं हफ्ते में 2 दिन हेयर वॉश करती हूँ और दही लगाती हूँ। दही में प्रोटीन होता है और दही में लैक्टिक एसिड होता है और यह हमारे स्कैल्प को साफ करने का काम करता है। दही एक बहुत अच्छा कंडीशनर का काम करता है। तो चलिए, आज मैं आपको अपने बालों में दही लगाकर बताने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आज मैं आपको ये बता रही हूँ दही लगाना। ये दही देखिए, दही के साथ इसमें मट्ठा भी थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है। आप इसमें लेमन जूस की कुछ बूंदे ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं की। और मेरे स्कैल्प में थोड़ा खुजली हो रही है क्योंकि मैंने 4-5 दिनों से अपने हेयर वॉश नहीं किए हैं और मेरा स्कैल्प बहुत ऑयली हो रखा है, देखिए इस तरीके से। और आपको बता दूं कि दही जो लगाया जाता है वह बालों की जड़ों में, इस तरीके से देखिए। तो अब मैं आपको दही लगाना बताती हूँ। इस तरीके से बालों को बीच से डिवाइड करते हुए आपको लगाना है। बालों की लंबाई में लगाना उतना ज़रूरी नहीं है, दही हमें लगाना होता है हमारे स्कैल्प में। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप दही को लगा सकते हैं। बालों को डिवाइड करते हुए आप दही लगाइए। और इसे लगाने का जो समय होता है, वैसे तो आधे घंटे तक इसे लगाना चाहिए, मैं सिर्फ 15 मिनट लगा रखती हूँ। और इस तरीके से देखिए, ये बालों में मैं आ जाकर दही लगाना बता रही हूँ। दही हमारे, और यदि आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम होती हो तो यह बहुत अच्छा काम करता है। नॉर्मल सभी से लगा सकते हैं, ऑयली जिनकी स्कैल्प होती है, स्किन होती है, उन्हें लगाना चाहिए। यह एक बहुत अच्छा कंडीशनर होता है और बालों की ग्रोथ जो होती है, यदि बालों में गंदगी है और डेड स्किन सेल खट्टी है तो डेड स्किन के कारण हमारे बाल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। दही लगाने से हमारे स्कैल्प से सारी गंदगी हट जाती है। यह देखिए, इस तरीके से सारी गंदगी स्कैल्प से हट जाती है तो हमारा स्कैल्प अच्छा क्लीन हो जाता है। और क्या शैम्पू लगाने से हमारा स्कैल्प क्लीन नहीं होता? होता है, बट शैम्पू आपको हर अल्टरनेट डे में करना चाहिए। और ऐसा तो मैं नहीं कर पाती हूँ, हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे स्कैल्प में थोड़ा डेड स्किन रहती है। और इस तरीके से देखिए, यह दही को मैं स्कैल्प में लगा रही हूँ। आप चाहें तो दही लगाने के बाद धीरे से कंघी भी कर सकते हैं, बट देखें कि बाल टूटे नहीं। धीरे धीरे आपको कंघी करनी है, जोर से आपको नहीं करनी है। आप स्कैल्प में अच्छे तरीके से मसाज करते हुए दही लगाइए और 15 से 20 मिनट आधे घंटे आप से अपने बालों में रखिए और फिर हेयर वॉश कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से मैं पूरा दही लगाते हुए बालों में, मेरे बाल थोड़े अभी डैमेज हो गए हैं क्योंकि उतनी केयर नहीं हो पा रही है बालों की। और दही लगाने के बाद ही एक स्कैल्प में हल्की जलन होती है और जलन का कारण यह होता है कि हमारी जो डेड स्किन होती है रिमूव होना चाहती है, तो हमारे स्कैल्प में थोड़ा एसिड के कारण जलन होती है। दही में होता है लैक्टिक एसिड और इस कारण से हमें थोड़ा जलन होती है। तो इस तरीके से पूरे में आप देखिए, ये इस तरीके से पूरे स्कैल्प में मैंने दही लगाया और अब मैं पीछे लगाने वाली हूँ स्कैल्प में, इस तरह से। बालों की लंबाई में आप दही नहीं भी लगाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, बालों की लंबाई में लगाना भी नहीं है। सिर्फ दही का जो काम होता है हमारे स्कैल्प की गंदगी को हटाना, और दही में होता है प्रोटीन, तो यह एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है हमारे बालों के लिए। आप
आप हेयर स्पा भी करा सकते हैं। हर महीने आपको हेयर स्पा कराना चाहिए। हेयर स्पा का काम यही होता है कि हमारे हमारे स्कैल्प में जो भी गंदगी होती है वह हट जाती है और हमारा स्कैल्प क्लीन होगा तो बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। देखिए, कंडीशनर लगाने से, दही लगाने से कोई बाल बहुत ज़्यादा चमकने नहीं वाले हैं। हमारा यह भ्रम होता है कि कंडीशनर लगा लिया, जो हमारे नेचुरल बालों की चमक होती है वह आ जाती है। और यह नेचुरल बालों की चमक गंदगी, धूल, डेड स्किन, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं छुपी रहती है, तो हमें इसे हटाना है। तो यह आप कंडीशनर करके, शैम्पू करके हटा सकते हैं, बट शैम्पू कंडीशनर से ज़्यादा अच्छा है कि आप दही लगा लें सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने बालों में, 15 डेज में, तो आपकी डेड स्किन जो है हट जाती है। मेरी ऑयली स्किन के कारण मैं डेड स्किन से थोड़ा ज़्यादा परेशान रहती हूँ और मुझे तो यह लगाना ही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आपको बालों में दही लगानी है और 15 मिनट से आधे घंटे तक इसे रखना है और नॉर्मल पानी से इसे वॉश करना है। आप भी ऐसा करें, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और आपका जो हेयर डेंसिटी है वो अच्छा होगा, ऐसा आप करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।